हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त प्रोफेसर VFX और आपका स्वागत है एक बहुत ही मज़ेदार ट्यूटोरियल में। आज हम जो करने वाले हैं उसका रिक्वेस्ट मुझे बहुत बार आ चुका है, तो मैंने फाइनली डिसाइड किया तो मैं ये ट्यूटोरियल बना दूं। ये ट्यूटोरियल में मैं देखो आपको दिखाऊंगा कि सॉफ्ट लाइट इफेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। सॉफ्ट लाइट क्रिएट करने के बाद मैं उसमें और थोड़ा एडजस्टमेंट करूँगा और फोटो को थोड़ा मैनिपुलेट करूँगा ताकि उसका लुक और थोड़ा अलग आ सके, थोड़ा डिफरेंट आ सके। जैसे कि ये मेरा ओरिजिनल इमेज था और इसे मैंने चेंज करके कुछ ऐसा कर दिया। मैं आपको दिखाऊंगा इस तरह का इफेक्ट अचीव कैसे करते हैं। वो करने के पहले मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मेरा एक फेसबुक में पेज है, अगर आप गूगल में सर्च करेंगे प्रोफेसर VFX तो मेरा एक फेसबुक का पेज है, आप इसे लाइक करें। ये मेरे फेसबुक का पेज है, यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, अपना काम को पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ बहुत लोगों ने काम पोस्ट किया है, काफ़ी अच्छा मुझे लगा और मैं उसे शेयर भी करता हूँ। तो आप भी यहाँ पे अपना काम पोस्ट करें ताकि मैं उसे देख पाऊँ, और आपके पास कुछ सवाल है तो आप उसे भी पोस्ट कर सकते हैं। तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए आज का ट्यूटोरियल हम शुरू करते हैं। हम सबसे पहले वो इमेज ओपन करेंगे जिसमें मुझे ये इफेक्ट करना है। आप इसे अपने इमेज पर कर सकते हैं। अगर आपको इसी इमेज पर करना है तो इसका लिंक इस वीडियो के नीचे है, ओपन करता हूँ। ये हमारा मेन इमेज है। तो सबसे पहले हम सॉफ्ट लाइट इफेक्ट को अचीव करेंगे। वो करने के लिए सॉफ्ट लाइट इफेक्ट जो होता है उसमें क्या होता है कि इमेज का कंट्रास्ट बहुत कम होता है। तो कंट्रास्ट कम करने के लिए सबसे बेस्ट टूल है, मैं मानता हूँ, लेवल्स और कर्व्स। ये दो टूल है जिससे आप कंट्रास्ट को कम कर सकते हैं, बहुत हद तक उसे कंट्रोल में ला सकते हैं। तो मैं सबसे पहले कर्व लूँगा। कर्व लेके आप देखिए, ऊपर का पार्ट है जो वो हमारा हाईलाइट है और नीचे का जो पार्ट है वो शैडो है। अगर मैं शैडो वाले को उठाऊंगा ऊपर तो इमेज का कंट्रास्ट कम हो रहा है, और इसे अगर नीचे लेके आऊँगा तो इमेज का कंट्रास्ट बढ़ रहा है। पर ये पूरा ओवरऑल पूरे RGB में इफेक्ट कर रहा है, पूरे इमेज में इफेक्ट कर रहा है, हर एक चैनल पे इफेक्ट कर रहा है। पर मैं चाहता हूँ मैं हर चैनल को सेपरेटली हैंडल करूँ। तो मैं यहाँ सबसे पहले लूँगा ब्लू। ब्लू में जाके अभी मैं थोड़ा इसको चेंज करता हूँ ताकि आपको ठीक से दिखे। तो मैं जाता हूँ पहले ब्लू में। ब्लू में नीचे वाले पॉइंट को मैं थोड़ा ऊपर उठाऊँगा। थोड़ा ऊपर उठाने के बाद मैं हाईलाइट को नीचे रखूँगा। तो यहाँ के लिए, इसके लिए मुझे यहाँ क्लिक करना होगा। क्लिक करूँगा तो यहाँ ऑटोमेटिकली एक पॉइंट आ जाएगा, उस पॉइंट को मैं फिर जहाँ था वो लाइन स्ट्रेट लाइन में ला के रख दूंगा। तो इस तरह से अगर आप इस आइज़ में क्लिक करेंगे तो आप ऑन ऑफ करके देख पाएंगे कि क्या इफेक्ट हुआ है। हमारा जो शेडो पार्ट था वहाँ पे ब्लू का वैल्यू बढ़ गया है। अब नेक्स्ट में जाऊँगा ग्रीन में। ग्रीन मुझे कम करना है तो मैं इस वैल्यू इसको लूँगा और नीचे जाऊँगा। नीचे जाके फिर मैं यहाँ एक पॉइंट बनाऊँगा और इसे ऊपर लाऊँगा। ये करने के बाद मैं आऊँगा रेड में। रेड भी मुझे थोड़ा कम करना है कॉन्ट्रास्ट रेड का, और यहाँ पे मैं उसे लाइन में नहीं लाऊँगा पर थोड़ा ऊपर ले आऊँगा। थोड़ा एस, थोड़ा कर्व वेवी टाइप का ये फॉर्म होगा। ये होने के बाद मैं एक ग्रेडियंट मैप लूँगा। ग्रेडियंट मैप आप यहाँ पे जो एडजस्टमेंट लेयर यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ एक ग्रेडियंट मैप का ऑप्शन है, इसे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। ये आने के बाद मैं इस एरिया पे क्लिक करूँगा। यहाँ क्लिक करके हमारा जो पहला पॉइंटर है वहाँ पे क्लिक करें। यहाँ जो कलर का ऑप्शन है, कलर का ऑप्शन में क्लिक करें और मैं इसे डार्क ब्लू करूँगा। डार्क ब्लू, ये ठीक है। मैं यहाँ इसे छोड़ता हूँ और दूसरे वाले पॉइंट में मैं कुछ ऑरेंज टोन लाऊंगा। ऑरेंज कुछ, मैं इसे यहाँ छोड़ता हूँ। अब मैं उसे ओके प्रेस करूँगा। ओके प्रेस करने के बाद यहाँ जो ब्लेंडिंग ऑप्शन है, ब्लेंडिंग ऑप्शन में मैं इसका ब्लेंडिंग मोड को चेंज कर दूँगा हार्ड लाइट में। हार्ड लाइट में चेंज करने के बाद आप देखेंगे इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, इमेज को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। इसके लिए मैं इसका ओपेसिटी कम करूँगा। ओपेसिटी कम करके
कुछ 20 और 30 के बीच में रखूँगा। ये होने के बाद अब मैं इस इमेज का थोड़ा लाइटनेस को बढ़ाऊँगा, इस इमेज में थोड़ा लाइट डालूँगा। उसके लिए मुझे क्या करना है, मैं इसी लेयर को कॉपी करूँगा, कंट्रोल जे। कंट्रोल जे से ये लेयर कॉपी हो गया। लेयर कॉपी करने के बाद जो ब्लेंडिंग मोड था मैं उसे कर दूंगा स्क्रीन। तो इस तरह से इमेज में थोड़ा लाइट आ गया। जैसे मैं एक इफेक्ट बना रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि जो मैं सेम प्रोसेस आप भी सेम प्रोसेस करूँ, जो मैं कर रहा हूँ आप भी वही करूँ, आप थोड़ा चेंज कर सकते हैं। फाइनली मुझे इमेज को अच्छा दिखाना है, तो आप उसे अचीव करने के लिए अगर वैल्यू थोड़ा ज़्यादा कम देंगे तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, पर हाँ आपका आउटपुट एट द एंड अच्छा आना चाहिए। ये होने के बाद मैं इमेज में लाइट ऐड करूँगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है टूटल का। मैं एक नया लेयर लूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा इस एरिया में, तो एक नया लेयर आ जाएगा। लेयर को मैं पहले से ही ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन कर दूँगा। ये करने के बाद मैं कलर में जाऊँगा और थोड़ा लाइट कर लूँगा, लाइट ऑरेंज कुछ लूँगा तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट आएगा ऐसा कुछ। अब मैं ब्रश लूँगा, हार्डनेस एकदम कम कर दूँगा और रेडियस को थोड़ा और बढ़ाऊँगा। थोड़ा फेस में भी इफेक्ट पड़ना चाहिए, तो मैं फेस में भी हल्का उसका रेडियस को अंदर रखूँगा। फिर मैं यहाँ क्लिक करूँगा, तो आप जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आप देखें यहाँ एक आर्टिफिशियल लाइट क्रिएट हो गया। अब मैं फिर ब्रश टूल लूँगा और रेडियस को छोटा करूँगा और हार्डनेस को थोड़ा बढ़ाऊँगा और इसके मिडिल में और एक क्लिक करूँगा। तो इस तरह से आप इमेज में आर्टिफिशियल लाइट ऐड कर सकते हैं। ये करने के बाद हमारा सॉफ्ट लाइट जो है वो रेडी है। अब हम थोड़ा बहुत फोटो मैनिपुलेशन करेंगे। इसके लिए हमको पूरे के पूरे लेयर को कंबाइन करना है। उसके लिए एक शॉर्टकट है, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ई। आपको ये चार की एक साथ प्रेस करने होंगे, ऑल्ट कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ई। तो मेरा पूरा का पूरा लेयर एक साथ कंबाइन हो गया। अब देखिए हमारा एक ही लेयर में सब कुछ आ गया है। अब मैं इसको लेके जाऊंगा कैमरा लो रॉ फिल्टर में, इसे मैं ओपन कर लूँगा। यहाँ पे मैं बहुत सारे एडजस्टमेंट करूँगा, आप इसे थोड़ा ध्यान से देखें। सबसे पहले यहाँ पे टेम्परेचर है, तो जैसे कि सॉफ्ट लाइट इफेक्ट है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँगा तो ये सॉफ्ट लाइट इफेक्ट नहीं रहेगा। अगर आपको कुछ और तरह का इफेक्ट बनाना है तो आप इसे बढ़ाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मैं यहाँ इसे थोड़ा कम करूँगा, ज़्यादा कम नहीं करूँगा, थोड़ा सा कम करूँगा, -5 6 रखूँगा। टिंट को मैं बढ़ाऊँगा, ये बढ़ाने के बाद अब मैं आऊँगा एक्सपोजर में। एक्सपोजर को मैं थोड़ा कम करूँगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा -0.30 ऐसा कुछ कम कर लेता हूँ। इसके बाद कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रास्ट को मैं थोड़ा बढ़ाऊँगा क्योंकि कॉन्ट्रास्ट मैंने बहुत सारा कम कर रखा है, इसलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा बढ़ाऊँगा इसे। तो मैंने यहाँ कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा बढ़ाया। यहाँ बढ़ाने के बाद अब मैं हाईलाइट को फुल करूँगा 100, और शेडो को भी 100 करूँगा। ये करने के बाद यहाँ जो वाइट्स है, वाइट्स को थोड़ा इंक्रीज़ करूँगा 20 के आसपास, और ब्लैक्स को ज़्यादा नहीं, हल्का सा बढ़ाए। अब क्लियरिटी को मैं तो ज़्यादा बढ़ाऊँगा, 30 और 40 के आसपास इसे रखेंगे। वाइब्रेंस को भी ऐड करें थोड़ा, और सेचुरेशन में थोड़ा कम करूँगा। इसके बाद हमारा जो मेन एडजस्टमेंट था हो गया। इसके बाद मैं शार्पनिंग में आऊँगा और इमेज को थोड़ा शार्प करूँगा 18 के आसपास, ये छोड़ता हूँ। मैं प्रेस करूँगा ओके, तो हमारा इफेक्ट रेडी है। हमारा इमेज पहले ऐसे था, अभी ये ऐसा हो गया है। आई होप कि आपको ट्रेलर पसंद आया होगा, और बहुत सारे लोगों ने मुझे कंप्लेन किया था कि वो मेरे बहुत सारे वीडियो देख नहीं पा रहे हैं, तो मैं उनको ये कहूँगा कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे
तो आप मेरे पूरे वीडियो देख पाएंगे। तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वरना आप मेरे बहुत सारे वीडियो नहीं देख पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।